हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास कमले पाटिल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एंगुलर सेटअप एनवायरनमेंट। हाँ दोस्तों, कैसे एंगुलर इंस्टॉल किया जाता है और एंगुलर इंस्टॉलेशन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो आज हम देखने वाले। तो सबसे पहले हमको क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले हमको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हमको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके बाद हमको एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे जाके यहाँ से आपको डाउनलोड करना है नोड जेएस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका अगर विंडोज़ पीसी है तो आपको विंडोज़ इंस्टॉलर सेलेक्ट करना है, अगर आपका मैक पीसी है तो आप मैक ओएस इंस्टॉलर कर सकते हो, आपका पीसी 32 बिट है 64 बिट है वो सेलेक्ट करना है, ज़्यादातर आजकल 64 बिट है तो आप 64 बिट यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसके अंदर जाके आपको नोड स्पेस हाइपन वी करना है, जिससे आपका नोड का वर्जन कौन सा है वो पता चलता है। उसके बाद आपको देखना है npm स्पेस हाइपन वी नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन कौन सा है, ये चेक कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा सिंपली npm इंस्टॉल स्पेस हाइपन जी, हाइपन जी मतलब ग्लोबली स्पेस टाइप स्क्रिप्ट, इतना करना है और आपको एंटर मार के छोड़ देना है, आपका टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, आपने नोड इंस्टॉल कर लिया, आपने नोड का वर्जन देख लिया, आपने इसका npm का वर्जन देख लिया, उसके बाद आपने टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर ली। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कमांड फ्रॉम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल हो गई है, टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन वगैरह भी आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे देखिए हमको क्या, ये नीचे जो दिख रही है कमांड टाइप करना है npm इंस्टॉल स्पेस हाइपन जी मतलब ग्लोबली @angular/cli@latest, इतना टाइप करके आपको एंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका जो एंगुलर सीएलआई वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। तो इतना आसान है आपको एंगुलर इंस्टॉल करना। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है, सबसे पहले तो हमको नोड जेएस इंस्टॉल करना है, नोड जेएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नोड जेएस इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसका नोड का वर्जन चेक करना है नोड हाइफन वी से, उसके बाद आपको npm का वर्जन चेक करना है npm हाइफन वी से, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके npm इंस्टॉल हाइपन जी टाइप स्क्रिप्ट करना है, इससे आपका टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली टाइप करना पड़ेगा npm इंस्टॉल हाइपन जी @angular/cli@latest। तो इतना करने के बाद आपका एंगुलर इंस्टॉल होगा और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एंगुलर क्योंकि फ्रेमवर्क है थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए टाइम लगता है इंस्टॉल होने के लिए सारी फाइल्स, ठीक है। तो यह आपका क्या है, एंगुलर सीएलआई भी इंस्टॉल हो गया। तो इस ये हो गया पूरा प्रोसेस सेटअप का। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। हाँ, आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करना है, अगर आप
पास वीडियो स्टूडियो कोड नहीं है तो आपको वो भी डाउनलोड करना है। ब्राउज़र में जाके आप ये https://code.visualstudio.com/download पे जाके विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो, अगर आपका विंडोज़ 7, 8 या 10 है तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपका एप्पल का सिस्टम है तो आप मैक पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जिसका उबंटू वगैरह, वैसे तो हमारे यहाँ कोई यूज़ करते नहीं ज़्यादातर, तो बेसिकली ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ करते हैं या फिर कुछ लोग मैक यूज़ करते हैं। तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और 64 बिट वाला हो या आपका 32 बिट वाला हो सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड, आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके आपने क्या करना है उसमें, हाँ सबसे पहले तो आपने एंगुलर का वर्जन चेक करना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम क्या करेंगे, ये न्यू विंडो में जाएंगे। ठीक है, न्यू विंडो में जाके ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ से न्यू फोल्डर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे एंगुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, इसको हम रीनेम करेंगे। ठीक है, इसको हम एंगुलर ट्यूटोरियल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एंगुलर ट्यूटोरियल सेलेक्ट करो, ऑलरेडी है समझो ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको नो करेंगे, इसको दूसरा नाम दे देंगे हम, क्या करेंगे इसको समझो एंगुलर ट्यूटोरियल न्यू। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करके हम क्या करेंगे, अपना इसका वर्जन चेक करेंगे एंगुलर का। कैसे करेंगे, ng स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गया जो भी वर्जन है क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, देखो एंगुलर CLI का वर्जन 10.0.3, नोड का वर्जन 10.16, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 32/64 बिट, एंगुलर IV वर्कस्पेस, पैकेजेस कौन से इसमें, एंगुलर डेव किट, एंगुलर डेव किट कोर वगैरह वगैरह सब हो गया इसमें। एंगुलर CLI आपका इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो इतना आसान है, ये हो गया पूरा सेटअप का प्रोसेस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसको हम नाम दे देंगे एंगुलर ट्यूटोरियल। एंगुलर ट्यूटोरियल से तो फोल्डर बना लिया हमने, है ना। ठीक है, हमने फोल्डर बना लिया। ठीक है, कोई नहीं, अब हम इसमें क्या करेंगे, फोल्डर बना लिया हमने, अब हम इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं हम थोड़ा, और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जाके टाइप,
इसके अंदर जाके हम टाइप करेंगे एनजी न्यू, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जो भी आपके एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसका जो भी नाम है देने वाले आप, वो लिख दो। ठीक है, जैसा हम लिख देंगे एनजी न्यू सैम्पल, ठीक है, या सैम्पल प्रोजेक्ट, ठीक है, सैम्पल प्रोजेक्ट नाम से हम लिख देंगे और इसको हम एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने एंटर किया, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, यस और नो। तो स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, इसलिए हम एन करेंगे। ठीक है, फिर से एंटर किया। इसके बाद ये पूछेंगे आपको विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़, तो आपको एरो किससे सेलेक्ट करना है, CSS, SCSS, SASLESS और स्टाइलस में से हम CSS ही यूज़ करेंगे, इसलिए हम CSS पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, लेकिन एक बार आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, बहुत ही यूज़फुल फ्रेमवर्क है दोस्तों एंगुलर, और बहुत बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप इससे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हो, आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो इसमें, या आप इसमें डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हो, बहुत सी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। बहुत ही टाइम ले रहा है, हम इसको थोड़ा सा तो दोस्तों ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, और जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएशन में, लगभग 10 से 15 मिनट भी ये ले सकता है, तो बी पेशेंस, क्रिएट होने तक टाइम थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद अब हम जाते ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो आपको ये पूरा इतने सारे फोल्डर्स, इतने सारे एप्लीकेशन, सॉरी इतने सारे फाइल्स इसके अंदर दिखेंगे आपको, तो ये सारे फाइल से तो लोड हो रहे थे, अभी सब इंस्टॉल हो रहे थे, इसलिए इतना टाइम लगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो एंगुलर में तो उसके अंदर इतने सारे फाइल्स होते हैं, तो हम देखेंगे इस एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले E2E, ये जो E2E है, इट रेफर्स टू एंड टू एंड, इट कंप्राइजेस ऑफ फाइल्स दैट आर यूज टू कॉन्फिगर एप्लीकेशन ऑन डेवलपमेंट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, तो ये एंड टू एंड इसको कहते हैं, और इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होती है। ठीक है, जो इसमें आप डेवलपमेंट के, क्वालिटी, प्रोडक्शन सब के फाइल्स होती है। ठीक है, अब इसके अंदर है देखो, इसके अंदर है सोर्स फोल्डर, दिख रहा है इसमें, जब आप सोर्स फोल्डर ओपन करोगे तो ये समझो ये डेवलपमेंट इसका, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है। ठीक है, देखो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर देखो सब बीन, एंगुलर, एंगुलर डेव किट, बैबल, जेएस डेव टूल, एनजी टूल्स, टाइप, सब 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 इसमें क्या है, सारे डिपेंडेंसीज है इसके अंदर, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर वो सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहता है, और ये npm से मैनेज करते हैं हम, नोड पैकेज मैनेजर से, जैसा हमने अभी टाइप स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल किया है, तो वो सब जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद src का फोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे आप src का फोल्डर ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको दिखेगा एप्लीकेशन रिसोर्सेस मेन, इसके अंदर क्या होता है आपका ऐप कंपोनेंट, css फाइल, ऐप कंपोनेंट, html फाइल, ऐप कंपोनेंट, ts फाइल, और ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक, मतलब जो कि टेस्टिंग वाला फाइल होता है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस मॉड्यूल फाइल,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये क्या करता है, ये सारे एप्लीकेशन रिसोर्सेज रहते हैं इसके अंदर आपके, मतलब आपके जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी मॉड्यूल्स है, सर्विसेज, सब आपके SRC फोल्डर के अंदर रहता है, ठीक है। ये एसेट्स के अंदर क्या रहता है, आपके जो भी एसेट्स हैं, समझो आपको कोई इमेजेस वगैरह लेनी है वगैरह, वो इमेजेस वगैरह सब आप इसमें एसेट फोल्डर में रख सकते हो, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे हम। इसके बाद क्या है, समझो ये एडिटर कॉन्फ़िग, इसमें क्या होता है, एडिटर से रिलेटेड सेटिंग्स इसके अंदर रहती है, आईडीज़ की, जैसा आप कौन सा आईडी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसा मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, कोई सबलाइन यूज़ करता है, कोई वेबस्टॉर्म यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से एडिटर से रिलेटेड जो सेटिंग है ये इसके अंदर होती है, ठीक है। देखो जैसा इसको मैंने ओपन किया तो इसमें दिख रहा है ना, एडिटर कॉन्फ़िगरेशन और रूट टू कैरेक्टर UTF-8 वगैरह, इस तरीके से जो एडिटर से रिलेटेड है वो सेटिंग इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गिट इग्नोर जो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू कोलाबरेट योर एप्लीकेशन ऑन गिटहब। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है इसको गिटहब में से कनेक्ट करने के लिए ये फाइल यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर वो सारे सेटिंग्स, इसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या है, एंगुलर जेसन, एंगुलर डॉट जेसन, इट कंटेन्स द मेटा डेटा ऑफ एप्लीकेशन विच इंक्लूड वर्जन, कल्चर, रिपोजिटरी एंड डिटेल्स। तो इसके अंदर क्या है, आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उससे रिलेटेड इसमें क्या होता है, मेटा डेटा। तो मेटा डेटा मतलब उसके रिलेटेड सारी मालूम होती है, जैसा उसमें कौन सा वर्जन है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नेम देखो यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट टाइप एप्लीकेशन, सोर्स रूट SRC वगैरह वगैरह सारी मालूमात इसके अंदर, कौन सी इसके अंदर कौन सा वर्जन है, कौन सा कल्चर है, रिपोजिटरी वगैरह सब इसके अंदर होता है, ठीक है। इसको भी हम अब क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्राउज़र लिस्ट, इसमें क्या है, जो ब्राउज़र का सपोर्ट इसमें दिया होता है, मतलब समझो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रोम वर्जन, फायरफॉक्स वर्जन, यू कैन सी व्हाट ब्राउज़र वेयर सेलेक्टेड बाय योर क्वेरीज बाय रनिंग NPX ब्राउज़र लिस्ट। इस कमांड को रन करके आप देख सकते हो कि कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ब्राउज़र से रिलेटेड मालूमात है इसके अंदर, आपका कौन सा ब्राउज़र है, उसका वर्जन वगैरह, ठीक है। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट कर्मा डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस। तो ये भाई ये पूरा टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल है, ठीक है। इसमें टेस्टिंग का फ्रेमवर्क जैसा कर्मा आपको पता हूँ, कर्मा और प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ये दो फ्रेमवर्क है टेस्टिंग के एंगुलर में, तो उसके बारे में इसमें मालूमात है, ठीक है। तो इसको भी बंद कर देते हैं। इसके बाद पैकेज डॉट जेसन, इसमें क्या है, आपके पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे आपका प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट क्या है इसमें है, ठीक है, एन एंगुलर एनिमेशन, ड्यूऑप्स वगैरह इसमें, टाइप स्क्रिप्ट है, सब है, जो जो इंस्टॉल है उसके बारे में इसमें दिया था। देखो नोड JS, नोड TS लिंक, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या है, रेडमी, तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प डॉक्यूमेंट होती है एक हिसाब से, जो आपके एप्लीकेशन को थोड़े बताती है, समझो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसा एनजी सर रन एनजी सर फॉर डेव सर्वर, अगर आपको डेवलपमेंट सर्वर रन करना है तो आप एनजी सर्वर यूज़ करो, ऐसा बता रहा है ये। उसके बाद कोड्स स्कैफोल्डिंग के लिए क्या करना है आपको, एनजी जनरेट कंपोनेंट। तो जैसे आप
एनजी जनरेट कंपोनेंट कंपोनेंट नेम, मतलब आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है तो कैसा क्या कमांड यूज़ करना पड़ेंगी, डायरेक्टिव के लिए, पाइप के लिए, सर्विस के लिए, सबके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें मालूमात देगी। अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो एनजी बिल्ड यूज़ करो वगैरह, ये सब मालूमात इसमें दी हुई है। एक हिसाब से ये आप हेल्प की फाइल है समझो, ठीक है, टेस्टिंग के लिए एनजी टेस्ट। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद रीडमी हो गया, उसके बाद ts config डॉट js। तो ये टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, ठीक है। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हाँ, इसके बाद ts config डॉट app डॉट json। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्सटेंड ts बेस फाइल src मेन डॉट ts src polyfills डॉट ts। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपको बताता है कि कॉन्फिग ts टारगेट फाइल लोकेशन के हिसाब से आप बताता है कि कौन से टारगेट लोकेशन है एप्लीकेशन की, ठीक है। इसके बाद ts config डॉट बेस डॉट json। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका बेस url है वगैरह वगैरह इसमें मालूमात है, ठीक है। इसके बाद ts spec डॉट js। हाँ, json ये क्या है, आपका टेस्टिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इसके बाद ts lint डॉट json, ये क्या है, इट डिफाइन द रूल्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट फॉर यूज़ इन योर एप्लीकेशन। तो आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स है टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए वो बताता है, ठीक है। तो ये मतलब बस आपको मालूमात के लिए बता दे रहा हूँ, यूज़ करते टाइम आपको बस ये बस इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी फाइल किस लिए ये होती है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा बता दिया मैं। बाकी आपको प्रोग्राम क्रिएट करते टाइम पे, प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम पे इतना ज़्यादा इनमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका ज़्यादातर काम होगा इस src फोल्डर में, सॉरी इस नहीं, नीचे वाले इस src फोल्डर में, नोड मॉडल्स के नीचे, ठीक है। तो इस src फोल्डर को जब आप ओपन करते हो तो इसके अंदर ऐप, असेट्स, एनवायरमेंट्स, फेविकॉन, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, मेन डॉट टी एस, पॉलीफिल्स डॉट टी एस, टाइल्स डॉट सी एस एस, टेस्ट डॉट टी एस, ये सारे इम्पोर्टेंट फाइल्स है। तो और ये एंगुलर डॉट जेसन, गिट इग्नोर, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन, ये काम के फाइल्स है, इससे आपका ज़्यादा काम रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब आप एस आर सी फोल्डर को ओपन, सबसे पहला ऐप, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके एप्लीकेशन रिसोर्सेस है, ठीक है, जिसमें आपके मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज जो भी रहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ओपन करते हो तो इतने ऐप मेन आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कंपोनेंट क्रिएटेड होता है। उसके बाद आपको चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद असेट्स फाइल, असेट्स में क्या होता है, इसमें जैसे आपके इमेजेस वगैरह जो भी है, नॉन डायनामिक चीज़ें, डेटा है, आप जो रिसोर्सेस आप यूज़ करोगे, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में आपको कोई इमेज यूज़ करना है, कोई वीडियो यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे असेट्स में उसको रख सकते हो। उसके बाद है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या है, इसके अंदर आपके जो शेयर्ड रिसोर्सेस है, ठीक है, जो आप डेवलपमेंट या क्वालिटी प्रोडक्शन में यूज़ करोगे वो इसके अंदर आप रख सकते हो। उसके बाद ये फेविकॉन, मतलब इसमें आइकॉन वगैरह आप रख सकते हो। इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है दोस्तों, ध्यान से सुनो। इट इज़ द स्टार्टअप पेज फॉर योर एप्लीकेशन, मतलब आपकी जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये आपका स्टार्टअप पेज है, मतलब इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में जो भी रहेगा वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, और ये सबसे पहले रन होता है। उसके बाद है सेकेंड इम्पोर्टेंट फाइल मेन डॉट टी एस, इट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर एप्लीकेशन टू रन और वेरियस एनवायरनमेंट,
बहुत से इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, मुझे कई बार पूछा गया था कि कौन सी फाइल सबसे पहले रन होती है वगैरह। तो दोस्तों, मेन डॉट टीएस जो फाइल है, ये एंट्री लेवल पॉइंट है और ये सबसे पहले रन होता है। और मतलब जो इसमें व्यू में जो है इंडेक्स डॉट एस टी एम एल होता है, और लॉजिक में मेन डॉट टी एस, ये दोनों फाइल पहले रन होती है, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद पॉलीफिल्स डॉट टी एस क्या है? ए डिफाइंस सेटिंग्स फॉर ब्राउजर सपोर्ट ऑन दिस एप्लीकेशन। तो आपके एप्लीकेशन में कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करेगा, क्या है उससे रिलेटेड सेटिंग इसमें होती है पॉलीफिल्स डॉट टी एस में, ठीक है? उसके बाद स्टाइल्स डॉट सी एस एस, तो इसमें दोस्तों आप ग्लोबल स्टाइल लिख सकते हो, ठीक है? मतलब ग्लोबल स्टाइल्स बोले तो अगर आप जिसमें लिखोगे, जो स्टाइल सी एस एस लिखोगे आप, ये जितने भी कंपोनेंट है सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है? इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं बताया, ये ग्लोबल के लिए है और आपके हर एक कंपोनेंट में एक सी एस एस फाइल अलग से होती है उस कंपोनेंट के लिए। मतलब उस फाइल के थ्रू आप सिर्फ उतने कंपोनेंट को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, लेकिन ये स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल से क्या कर सकते हो आप, पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, अगर आपके एप्लीकेशन में 100 कंपोनेंट है तो 100 के 100 कंपोनेंट को ये स्टाइल अप्लाई होंगी, ठीक है? उसके बाद टेस्ट डॉट टी एस, तो ये टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल है, ठीक है? इसका हमको अभी कुछ इतना डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइल हमारी समझो कौन सी है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस यहाँ पे दिख रहा है क्या? ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, हाँ ये ऐप के अंदर ही देखो, ये ऐप मॉडल डॉट टी एस फाइल है। तो ये क्या है? इट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर योर एंगुलर एप्लीकेशन। इसमें क्या है, आपको मेटा डेटा रहता है सब आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है? जो ये एन जी मॉडल इसके अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है? इसकी वर्किंग कैसी होती है? बेसिकली ये आपका मतलब आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ता है। समझो आपने कुछ इंपोर्ट किया, कोई मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट किया, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। कोई आपने कंपोनेंट वगैरह लिया, वहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है? डिक्लेरेशंस में क्या है, डिफाइन द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट आर रजिस्टर्ड ऑन योर एप्लीकेशन। मतलब जितने भी कंपोनेंट आपने यूज़ किया आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स में क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर रजिस्टर्ड इन योर एप्लीकेशन। तो आपके एप्लीकेशन में जितने भी मॉड्यूल्स है वो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है? वो आगे जाके आपको समझेगा धीरे धीरे जैसे आप यूज़ करोगे। बस आपको बेसिक मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है और क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जो प्रोवाइडर्स है, इसके अंदर क्या है, आपको सर्विसेज रजिस्टर करना पड़ती है, ठीक है? जब आप सर्विसेज क्रिएट करते हो तो आपको प्रोवाइडर्स में रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप बोले तो क्या है, जो हमने बूटस्ट्रैप देखा है वो अलग बूटस्ट्रैप है, और इसमें जो बूटस्ट्रैप है ये बूटस्ट्रैपिंग, मतलब ये क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट को आपको, जिस कंपोनेंट के साथ आपको आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, उस कंपोनेंट को आपको इसमें बूटस्ट्रैप में लिखना पड़ता है, तो वो कंपोनेंट आपके एप्लीकेशन में पहले शो होगा, और इस प्रोसेस को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है? जो हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क देखा है वो और ये बूटस्ट्रैप दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? बूटस्ट्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टैटिक डॉम इनटू डायनामिक डॉम, ठीक है? तो आपका जो भी कंपोनेंट आप इसमें लिखोगे वो कंपोनेंट पहले आपके सर्वर पे शो होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पूरा इसका आर्किटेक्चर देख लिया अपने प्रोजेक्ट का। अब हम इसमें आएंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हमको हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख,
तो ये हो गया एंगुलर आर्किटेक्चर। अब अगर हमको हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, क्या प्रोजेक्ट रन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में आके, हमारे प्रोजेक्ट में आके हमको एक कमांड रन करनी है, जिसको हमको लिखना है ng सर हाइपन अपन ओ। आप ओ भी लिख सकते हो या ओपन भी लिख सकते हो या सिर्फ ng सर भी लिख सकते हो। तो क्या लिख के आया पे, द सर कमांड रिक्वेस्ट टू बी रन इन एन एंगुलर प्रोजेक्ट बट अ प्रोजेक्ट डेफिनेशन कुड नॉट बी फाउंड। ये दोस्तों बहुत लोगों के साथ होता है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसके अंदर, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा cd प्रोजेक्ट नेम, जो भी है, क्या है हमारा प्रोजेक्ट नेम, सैम्पल प्रोजेक्ट। तो हमने सैम्पल प्रोजेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब हम हमारे प्रोजेक्ट में गए। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा ng सर हाइपन हाइपन ओ। अब एंटर किया हमने, अब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा और लाइव जो लोकल सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस। नोड, ठीक है, ये कंपाइल हो रहा है, कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही है, ठीक है, ये कंपाइल हो रहा है, देखते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा टाइम लेता है ये भी रन होने में, तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, थोड़ा पेशेंस रखना है बहुत द टाइम। जब भी आप एंगुलर इंस्टॉल कर रहे हो, तब भी, जब भी आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, तब भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम भी थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि दोस्तों ये फ्रेमवर्क ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो उतने सारे फाइल्स इंस्टॉल होने के लिए, प्रॉपर सेटअप होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो देखो, ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, और जो भी हमने नाम दिया है सैम्पल प्रोजेक्ट, ये दिख रहा है वेलकम। तो ये जब भी आप एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से आपको दिखता है व्यू, ठीक है? इसके बाद आपको इसके अंदर चेंजेस करना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आऊँगा इंस्टॉलेशन सेटअप प्रोसेस। तो मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से कैसे इंस्टॉल करना है, वहाँ से लेके आपको प्रोजेक्ट कैसा क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कैसा रन करना है, यहाँ तक सब बता दिया है। अब इसके आगे प्रोजेक्ट में चेंजेस कैसे करने हैं, क्या करना है, कैसे अपने खुद की एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कैसे कंपोनेंट क्रिएट करना है, कैसे डायरेक्ट यूज़ करना है, कैसे सर्विस क्रिएट करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।